हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं देखिए एक वीडियो हमने यहां पर बनाई है जहां पर हमने बात करी है कि कि रिसेशन रिसेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन आया है है भागो मतलब क्या है कि हमें वॉर क्राइसिस किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता ओके हम अनपढ़ गवा रहे एक तरीके से ये समझिए बट स्टिल हमें मार्केट से पैसा कमाना है तो इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा चीटी आपको समझ में आ जाएगी और हम बात करने वाले आज की डेट में कि स्टेप बाई स्टेप हम यहाँ पर इंट्राडे कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप क्योंकि इंट्राडे करने का स्टेप्स होता है अगर उस तरीके से आप इंट्राडे करेंगे तो अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा तो वो ही मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा कल मैंने ओके okay, दो चार स्टॉक्स है जो हमने यहाँ पर चूज कर रखे थे पर आ, कर करने के लिए तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर बातें बताऊंगा और आपको यहाँ पर चीजें समझाते हुआ नजर आऊंगा तो ये वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो हम डाले आपको वीडियो मिले और आप यहाँ पर वीडियो देख के काफी कुछ यहाँ पर सीख सके और आप, आप यहाँ पर याद रखिए पैसा कमाना है तो सीखना बहुत जरूरी है और यहाँ पर फ्री में जब सिखाया जा रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल है ट्रेडिंग दिल से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए इसकी भी ताकि जब भी हम भी इसमें वीडियो डालें इसमें एक एक करके स्टेप्स दे रखे हैं कि, कि किस तरीके से आपको यहाँ पर फॉलो करना है इंटरडे तो उसमें अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा प्ले को गो थ्रू करिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आए और डेली वीडियोज में आपका चीजें बताई जाती है कुछ ना कुछ बताया जाता है तो अगर कोई हमारे जो व्यूअर्स है रेगुलर उन्हें पता है कि किस तरीके से करना है बट स्टिल आपको नहीं पता

ओके okay, हमने यहाँ पर क्या हमने यहाँ पर ये यह स्टॉक्स को चुना हुआ था देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट है और हमें यहाँ से निकल जाएगा तो हमें ब्रेकआउट होगा तो इसी बेसिस में हमने यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर स्टॉक्स चुना था इसके अलावा हमने यहाँ पर अनुपम रसायन ब्लू, ब्लू यहाँ पर ब्लू स्टार को चुना हुआ था टेन लाख को चुना हुआ था और ये स्टॉक्स मैंने आपको पहले भी यहाँ पर दिया है एफ एम नोट्रो तो यहाँ पर ये स्टॉक सारे के सारे दे रखे कि इस तरीके से शेयर गिरेगा तो यहाँ पर पैसा बनेगा शॉर्ट सेलिंग भी इसमें आपको इंक्लूड हो जाएगी एज वेल एज सारी की सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती हुई नजर आएगी तो सबसे पहले मिंडा कॉर्प में मैंने नहीं किया था बट मैंने यहाँ पर ट्रेड दिया

जैसे ही नौ बीस नौ पंद्रह की कैंडल ओपन हुई ओके नौ बीस होगी एक कैंडल बनी और नौ बीस जो एक कैंडल बनती है ओके ये वाली कैंडल है आप समझ गए ओके ऑलरेडी ये शेयर यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लगभग अच्छा खासा 1.43 परसेंट का गैप अप ओपन हुआ था अब एंट्री कहाँ लेनी थी स्टॉप लॉस क्या था वो बता रहा हूँ ऑलरेडी तो यहाँ पर, पर लाइन खींच रखी है कि यहाँ पर से ऊपर जाएगा तो और तेजी होगी ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर हमने हमने ये लाइन खींच रखी थी कि किस तरीके से यहाँ पर से नीचे नहीं जाना चाहिए ताकि ऊपर ही रहे तो अच्छा खासा रहेगा और यहाँ से नीचे गया तो हमें शॉर्ट भी हम यहाँ पर कर सकते हैं तो ये सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग में पहले ही क्लियर रहती है यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर देखिए एक तो इन बनता हुआ नजर आ रहा है एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल एज वेल एज डोजी बनती हुई नजर आ रही है और वो भी ऊपर की तरफ और जब भी डोजी बनती है तो याद रखिए मैं हमेशा बताता हूँ कि डोजी का बनना क्या है डोजी का बनना सिंपल बताता है कि तेजी होती हुई नजर आएगी ओके okay, अगर उस डोजी का ऊपर के हिस्से को तोड़ा अगर नीचे के तो, तोड़ा तो यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आएगी अगर यहाँ पर तोड़ देता तो गिरावट होती तो सेल कर देते बट यहाँ पर देखिए हमने एंट्री ली जैसे डोजी यहाँ पर ये कैंडल बनती हुई नजर दो, आई दो बीस के बाद यहाँ पर, पर, इस इस इस, पर, तो पर देख सकते हैं एक ही बारी में हमें कितना एक परसेंट के एक से डेढ़ परसेंट का हमें मूव मिलता हुआ नजर आया तो इंट्रा डे में एक परसेंट का मूव बहुत ज्यादा मूव रहता है इस चीज को याद रखिएगा बहुत बेहतरीन रिटर्न ही माने जाते हैं एज वेल एज इसने यहाँ पर ये वाले पार्ट को भी तोड़ दिया था ओके ये भी एक पॉजिटिव बात है एज वेल एज यहाँ पर आपको एंट्री करने के दो तीन और मौके मिले यहाँ पर अगर मैं बात बताऊँ तो देखिए बार बार डोजी बना रहा था यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक हैमर भी क्रिएट किया था तो हैमर का हाई मतलब ये वाला पार्ट ओके यहाँ से इसने यहाँ पर आप अगर एंट्री लेते दो तीस को ओके तो यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पर आपको अच्छे खास डेढ़ के रिटर्न पर और मिलते हुए नजर आते तो इसी तरीके से यहाँ पर काम करते की बात करें तो स्टॉप लॉस सबसे पहले तो यही था जो इस कैंडल का लो था ओके दो ओके दो मान लीजिए और वो थोड़े और सेफ साइड के लिए और अगर हम बात करें ऊपर के लेवल की और जैसे जैसे ऊपर जाता गया स्टॉक तो हमने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर लिया फिर हमने अपना स्टॉप लॉस जो यहाँ पर इसका इसका जो ये लाइन है ओके उसके थोड़ा सा कुछ पैसे नीचे रख लिया तो यहाँ पर ट्रेल भी होता गया ऐसे ऐसे ऊपर गया अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिलता गया तो हमारा सबसे पहला स्टॉक ये था यहाँ पर पैसा बना इसके अलावा मैंने खुद ने एंट्री दी थी इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में और यहाँ पर जैसी एंट्री ली वैसे ही देड़, एक देड़ का रिटर्न तुरंत मिलता हुआ नजर आया और जैसे कि इंट्राडे में एक का रिटर्न इनफ रहता है तो ये चीजें आपको समझनी होगी तो स्टॉक्स पहले ही चुन रखा था अनुपम रसायन तो यहाँ पर आप देखेंगे अनुपम रसायन में मैंने एंट्री कहां ली थी तो यहाँ पर एंट्री ले का लेवल बताता हूं शेयर भागा ओके यहाँ पर इसका हाई था ओके यहाँ से इसने गिरना शुरू किया जैसे यहाँ पर गिरना शुरू किया ये आ गया सपोर्ट के पास और जैसे ही सपोर्ट के पास आया तो सपोर्ट के पास इसने क्या बनाया मैं हमेशा बता दूं सपोर्ट के पास हैमर बन जाए तो याद रखिए एक अच्छा खासा मूव मिलता है तो इसने क्या बनाया सपोर्ट के पास हैमर बना हैमर बना जैसे ही इसने अपने हैमर को दूसरी कैंडल ने हैमर को निकाला हमने यहाँ पर तुरंत एंट्री ले ली और जैसे हमारी एंट्री ली एक ही बारी में कितने परसेंट का रिटर्न मिला 1.29 परसेंट ऊपर लिख रहा है और जैसी दूसरी कैंडी लाई वो भी कर लिया ओके थोड़ा नीचे लगा लिया और नहीं भी लगाया अगर ट्रेल करते तो हमारा स्टॉप लॉस हेट हो जाता टू बी वेरी फ्रेंड बट हमने ट्रेल नहीं किया कोई इशू नहीं हमारा स्टॉप लॉस यही था तो यहाँ पर हम देखते रहे ओके पूरे दिन यहाँ पर इस तरीके से चलते रहे और बाद में और देखा तो बाद में यहां पर और एक कैंडल बनी सॉरी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न बनता हुआ नजर आया और इसके बाद इंटर में ही देखिए तो में यहाँ पर शॉर्ट भी मिल गया किसी को अगर शॉर्ट भी करना है शॉर्ट में भी पैसे बनते हैं कैसे बनते यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसने क्या बना दिया इसने यहाँ पर यहाँ पर शूटिंग स्टार बना दिया और वो भी इसके देखिए यहाँ पर रजिस्ट है इसके पास और जैसे यहाँ पर पांच मिनट की कैंडल में बता रहा हूं जैसे इसने शूटिंग स्टार बनाया इसका शूटिंग स्टार का लो टूटा ये लोड टूटा हमने यहाँ पर एंट्री ले ली स्टॉप लॉस ऊपर रख दिया तो देखिए ऊपर भी नहीं गया यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रखा तो यहाँ पर कभी नहीं यहाँ पर देखिए अभी तक नीचे नहीं आया और यहाँ पर अगर हम बात करें ऊपर की तो ऊपर जैसे ही रखा स्टॉप लॉस और नीचे हमने यहाँ पर अगर एंट्री ले ली होती तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है तो सेलिंग भी हो गई देखिए एक ही स्टॉक में सेलिंग भी हो गई एक ही स्टॉक्स में एंट्री भी हो गई तो एंट्री से ही पैसे कमा लिए ओके एग्जिट करके भी और यहाँ पर सेल करके पैसे खा लिए तो इस तरीके से आप यहाँ पर इंट्राडे कर सकते हैं चीजें सिखाई हुई है ओके okay, तो यहाँ पर आज या कल में मैं आपको बता दूंगा कैंडल्स के बारे में ओके okay, सारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट और ट्रेंडिंग लाइन ये सब बता रखा है अब कैंडल के बारे में बताना है कैंडल के बारे में बता दूंगा अब दूसरी दूसरा स्टॉक से ब्लू स्टार ब्लू स्टार में एंट्री नहीं ले पाया ओके okay, बट यहाँ पर ब्लू स्टार के बारे में आपको बता दू बता देता हूँ तो यहाँ पर देखिए ब्लू स्टार ओके अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट हुई जैसी मार्केट ओपन हुई तो अच्छी खासी गिरावट हुई गिरावट के बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट पे क्या बनाया इसने बनाया एक तो हैमर सॉरी uh, यहाँ पर इसने बनाया बनायाटेड हैमर तो इन्वर्टेड हैमर बनाया तो आप यहाँ पर क्या कर सकते थे आप यहाँ पर इस तो, यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं जैसे इसने तोड़ा एंट्री ली बट अगर स्टॉप लॉस लगाते तो ये हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा हिट भी हो सकता था तो यहाँ पर अगर कोई एंट्री भी लेता है तो यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस लॉस कितने छोटे छोटे स्टॉप है अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द स्टॉक्स किस प्राइस का है उसके हिसाब से अब यहाँ पर एंट्री का एक और मौका मिला कहा मिला जैसे इसने यहाँ पर देखिए क्या बनाया इसने एक हैमर बनाया और जैसे ही हैमर बनाया आप यहाँ पर जैसे ही हैमर यहाँ पर क्रॉस हुआ यहाँ पर आप एंट्री लेते और जैसे ही एंट्री लेते नाइन सेवन पे तो, तो ये शेयर कहाँ तक गया ये नाइन नाइनटी वन तक गया और दूसरे की एंट्री कहां हुई नाइन नाइनटी मतलब थाउजेंड रुपीज तक ये यहाँ पर यहाँ जाता हुआ नजर आया तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे पच्चीस एक रुपए का यहाँ पर मूव बीस रुपए का एटलीस्ट यहाँ पर मूव अच्छा खासा मिलता हुआ नजर आया और अच्छा खासा यहाँ पर भी पैसा बनता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दिया तो इस तरीके से ब्लू स्टार में भी आप एंट्री ले सकते थे मैं नहीं ले पाया ओके बट मैंने अनुपम रसायन में लिया था तो मैंने आपको बता दिया मिंडा कॉर्प में दिलाया था वो मैंने बता दिया और दोनों में ही प्रॉफिट एज वेल एज टेनला टेनला में अगर हम बात करें

मैंने डैम बताया था डेली एवरेज मूवमेंट एक पर्टिकुलर शेयर की एक मूवमेंट होती है कि एक दिन में इतना भागेगा यहाँ पर आप पहली कैंडल देखिए लगभग लगभग पहली कैंडल में पचास रुपए का मूव आया फोर्टी नाइन रुपीज तक का मूव आता हुआ दिखाई दिया अब क्या तो अब देखिए पहली कैंडल सबसे नीचे गई नौ सौ एक रुपए पर जैसे ही ओपन हुआ यहाँ पर और एक सौ नौ सौ रुपए पे जाके फिर ऊपर दिखाई दी तो इस केस में क्या इस केस में यह जब यहाँ पर कभी भी गैप अप या गैप डाउन यहाँ पर ओपनिंग हो जाती है उस केसेस में हम कभी भी यहाँ पर एंट्री नहीं लेते किसी भी स्टॉक्स में उसे हम छोड़ देते हैं तो मैंने यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टॉक्स को अवॉइड कर दिया बट स्टिल यहाँ पर कोई कुछ करना चाहता था तब भी मैं आपको बता देता हूँ देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इंटरडे बेसिस पे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आया इसने एक राउंडिंग बॉटम क्लियर किया ओके और इसके बाद इसने क्या बनाया इसने एक शूटिंग स्टार बनाया शूटिंग स्टार्स का जैसे यहाँ पर और ये ये लाइन भी खींची हुई थी जैसे इसने लो तोड़ा यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं दूसरा यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी एक लाइन खींच रखी थी बड़ी वाली ओके जो इसकी सपोर्ट थी और सपोर्ट पे इसने क्या बनाया इसने बनाया यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर ओके इन्वर्टेड हैमर जब भी बनता है तो ओके okay, क्या हो बताता हूं मैं जब भी यहाँ पर सपोर्ट मतलब नीचे हैमर होता है तेजी होती हुई नजर आएगी बट तेजी होती हुई कम नजर आएगी तो अगर इसका हाई निकाल देता तो यहाँ पर एंट्री लेता तो यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आती और हमें एक अच्छा खासा मूव मिल जाता बट इसने हाई नहीं निकाला इसका लो तोड़ दिया और जैसे इसने लो तोड़ा तो यहाँ पर देखिए एक एक करके धीरे धीरे करके यहाँ पर चीजें नीचे आई और नीचे आके आपको एक अच्छा खासा इसने दोबारा फोर्टी फिफ्टी रुपीज का मूव दे दिया तो यही यहाँ पर पैसा बनते हुए दिखाई देता है और यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर बात करें यहाँ पर स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस हम ऊपर का लगा देते और नीचे एंट्री प्रॉफिट की बात करें तो इसका जो लो था ना वही यहाँ पर प्रॉफिट था 901 पे चुपचाप निकल जाते हैं नीचे यहाँ पर वेट नहीं करते क्योंकि नीचे मोस्टली हमें पता ही है यहाँ पर फेक आ, फेक यहाँ पर ब्रेकआउट या फेक यहाँ पर दिखाई देता है तो यहाँ पर देखिए फेक ही था नीचे आया और फिर ऊपर जाता है दिखाई दिया तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक्स को पहले चुन के फिर उसके बाद यहाँ पर आ, आ, कुछ विंडो एक साथ ओपन करके पांच मिनट की कैंडल निकाल के मॉर्निंग में ओके यहाँ पर आपको बार बार देखना पड़ेगा आपको चेक करना पड़ेगा ओके और यहाँ पर इस तरीके से एनालिसिस करके आप यहाँ पर एंट्री और एग्जिट आप दोनों ले सकते हैं और दोनों तरीके से यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं तो इसके लिए परफेक्ट होना पड़ेगा धीरे धीरे यहाँ पर काम करना होगा जो प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट प्रैक्टिस करते रहो अच्छा खासा पैसा बनेगा और ऐसे ही स्टॉक्स डेली दिए जाते हैं ओके okay, और यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स कम से कम मेरे पास बीस स्टॉक्स ऐसे है जो यहाँ पर मंडे के लिए है तो मैं एक एक करके यहाँ पर आपको स्टॉक्स दूंगा अगली वीडियो में कुछ स्टॉक्स आज दूंगा कुछ स्टॉक्स कल दूंगा okay, कंबाइन करिएगा मॉर्निंग में यहाँ पर मंडे को ओपन करिएगा सारे सबके चार्ट और देखिएगा किस में यहाँ पर एंट्री मिल रही है जिसमें मिल रही हो उसमें एंट्री लीजिएगा स्टॉप लॉस लगाइएगा ट्रेल करिएगा और यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन भी हो रहा है तो ब्रेक डाउन में भी पार्टिसिपेट करिएगा दोनों तरफ से पैसा बनेगा और अच्छा खासा पैसा बनेगा तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा अगर नॉलेज पसंद आई हो तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट uh, भी करिएगा और हमारे दूसरे चैनल ट्रेड इंडियन से को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दूसरे वीडियोस को जाके देखिए प्यार बरसाइए हमारे चैनल पे ताकि हम भी अच्छी से अच्छी वीडियो और ला सके सो थैंक यू सो मच कॉल प्लेस